gave you my heart. Hello viewers, this is Vandana here. Friends, today I want to discuss with you a very important topic of English grammar, and that topic is kinds of words on the formation, on the base of formation. Okay? कि आज हम इस वीडियो के लेक्चर में आपसे वर्ब की काइंड्स के बारे में फॉर्मेशन के आधार पर हिंदी में उसको क्या कहते हैं संरचना के आधार पर मीन्स बनावट के आधार पर हम आज के इस वीडियो के लेक्चर में आपसे इसको डिस्कस करेंगे. बट बिफोर गोइंग टू फर्दर आई वुड लाइक टू से दैट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन सो दैट यू कैन रिसीव माई नेक्स्ट वीडियोज नोटिफिकेशन. ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स गेट स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक kinds of verb on the formation means on the base of formation. संरचना के आधार पर क्रिया के भेद. क्रिया means the words which tells us about the action. वह वर्ड जो हमारे एक्शन के बारे में बताता है that is verb. Okay, उसको हम क्रिया कहते हैं. अब हम संरचना के आधार पर क्रिया कितने प्रकार के होते हैं how many kinds of verbs इस वीडियो के लेक्चर में मैं वही आपसे डिस्कस करूंगी. Let's see the kinds of verbs. सिंपल वर्ब मीन्स इसको हिंदी में हम कहते हैं सामान्य वर्ब. सामान्य क्रिया मीन्स जिस सेंटेंस में केवल एक वर्ब हो. वर्ब मैंने आपको लिखा ही है, देख भी रहा आपको कि जिस सेंटेंस में केवल एक वर्ब हो मीन्स द सेंटेंस विच इज हैविंग ओनली वन वर्ब दैट इज नोन एज सिंपल वर्ब. उसको हम सिंपल वर्ब कहते हैं. लेट्स सी द एग्जांपल. ही इज वह खाता है, एक ही वर्ब है. आई रीड मैं पढ़ती हूँ, एक ही वर्ब है. ओके फ्रेंड्स, तो ये आपको सिंपल वर्ब समझ में आ गया कि जिस वाक्य में एक ही क्रिया हो वो सामान्य क्रिया या सिंपल वर्ब कहलाती है. नाउ कम टू द नेक्स्ट काइंड ऑफ वर्ब्स, कंपाउंड वर्ब. कंपाउंड मीन्स यू नो दैट फ्रेंड्स संयुक्त, मिलना, ज्वाइंट होना, दो का एक साथ होना, उसको हम कंपाउंड कहते हैं. अब ये कंपाउंड वर्ब हिंदी में भी सेट इज संयुक्त क्रिया. संयुक्त का मतलब आप जान ही रहे हैं, दो का योग, दो से ज्यादा का योग. ओके, अब जिसमें टू वर्ड्स मीन्स द सेंटेंसेस व्हिच इज हैविंग मोर देन वन वर्ड दैट इज नोन एज कंपाउंड वर्ब. उसको हम कंपाउंड वर्ब कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई कैन रीड. कैन यहाँ पर आपका देखिए मॉडर्न ऑक्सिलरी वर्ब है और रीड ये आपका मेन वर्ब है. तो यहाँ पर आप देख लेंगे कि ये डूइंग वर्ब है और ये मॉडर्न ऑक्सिलरी वर्ब है, लेकिन है तो वर्ब दोनों ही, तो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं कि मैं पढ़ सकता हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ा सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ, आप देख सकते हो मेरा वीडियो, आप कमेंट कर सकते हो. इस तरह से क्या है, ये कंपाउंड वर्ब है. ही कैन प्ले, वह खेल सकता है. इसमें भी आप देखिए कैन और प्ले दोनों वर्ब टुगेदर, दे आर टुगेदर. ओके, नाउ वी कम टू द नॉमिनल वर्ब. नॉमिनल वर्ब से आप समझ लीजिए जिसमें नाम हो, नेम हो. ओके, ये नाम धातु क्रिया इसको हिंदी में कहते हैं. मीन्स इसमें नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव में जब हम प्रीफिक्स या सफिक्स ऐड करके कोई वर्ब फॉर्म करते हैं तब वो हमारा क्या होता है, नाम धातु वर्ब होता है. फॉर एग्जांपल अब देखिए बेवरी, ब्रेव बेवरी. ब्रेव मीन्स बहादुर. अब यहाँ पर देखिए एडजेक्टिव है बेवरी, ये क्या हो गया आपका नॉमिनल वर्ब हो गया बहादुरी. कि जब भी बहादुरी का काम होता तो क्या होता है, वो नॉमिनल वर्ब होता है. नाउ कम टू दी नेक्स्ट एग्जांपल सेपरेट, अलग होना. ओके, सेपरेशन. तो इस तरह से आपने देखा कि नॉमिनल वर्ब्स हो गया ये. तो फ्रेंड्स आगे के जो काइंड्स बचे हैं मैं उसे नेक्स्ट स्लाइड में आपसे डिस्कस करूंगी. फ्रेंड्स द नेक्स्ट और फोर्थ काइंड ऑफ वर्ब ऑन द बेस ऑफ फॉर्मेशन कॉजेटिव वर्ब. कॉजेटिव वर्ब्स जिसको हिंदी में हम कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया. प्रेरणार्थक क्रिया मीन्स यहाँ पर जैसे किसी को कोई काम करवाते हैं, मतलब खुद ना करके दूसरे से करवाते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अपना वीडियो खुद ना बनाकर दूसरे से बनाऊँ, इस तरह से. या आप अपना खाना ना बनाकर दूसरे से बनवाएं, अपने नोट्स ना लिखकर दूसरे से लिखवाएं, मतलब किसी को मोटिवेट करना अपना काम कराने के लिए. मीन्स कोई भी एक्शन या वर्ब या काम जो आप खुद ना करके दूसरों से करवाते हैं उसको हम पॉजिटिव वर्ब या प्रेरणार्थक वाक्य में रखते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया में रखते हैं. अब इसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन है. वी आर हैविंग टू ऑप्शंस, गेट एंड मेक. अब
कंप्यूटर का जो यूज ऑफ हैंड्स वो हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए करते हैं, ओके, जब हम कोई काम किसी से करवाते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, और मेक का यूज जो होता है वो हम ह्यूमन बींग्स के लिए करते हैं. बट लेट्स सी द एग्जांपल फर्स्ट, देन यू विल कम टू नो. ओके, गेट एंड मेक, आई एम हैविंग टू वर्ड्स फॉर पॉजिटिव वर्ब्स. ही मेड मी डांस, उसने मुझे नचाया. अब जहां पर ह्यूमन बींग की बात हो रही है वहां पर हम मेक यानी उसने मुझे नचाया, ही मेड मी डांस या मुझे नचाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेक्स. ओके, तो वो तो हम टेंस के अकॉर्डिंगली देख लेंगे, लेकिन पहले हमें ये समझना है कि हम मेक का यूज किसके साथ करते हैं. अम्मी क्या ह्यूमन बींग्स की बात हो रही है, यानी उसने मुझे नचाया, तो काम कौन कर रहा, मैं कर रही हूँ, मतलब वो काम वो एक ह्यूमन बींग से कर रहा, मतलब वो एक्शन मैं खुद कर रही हूँ. उसने मुझसे लिखवाया, मैंने लिखा, मुझे नचाया, मुझे हंसाया, मुझे पढ़वाया, इस तरह से, यानी जो काम हम मैं खुद कर रही हूँ. अब ये देखिए, तो यानी पर्सन रिलेटेड की जब बात होती है तब हम वहाँ मेक यानी मेक का यूज करते हैं. नाउ वी कम टू गॉड. अब मैंने बताया गेट, गेट का यूज हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए करते हैं, उसका भी एग्जांपल आप देख लीजिए. आई गॉट इट रिटर्न, मैंने इसे लिखवाया, मतलब पत्र है, एप्लीकेशन है, नोट्स है, जो भी है, तो जो ये वर्क है, एप्लीकेशन है, लेटर्स है, नोट्स है, जो भी लिखवाया गया है, जो ये काम हुआ है, तो वो लेटर्स एप्लीकेशन दीजा नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कोई ह्यूमन बींग्स की बात नहीं है, तो यहाँ पर मैंने गॉड का यूज किया. इज दैट क्लियर फ्रेंड्स. नाउ वी कम टू द लास्ट एंड फिफ्थ काइंड ऑफ वर्ब्स ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन. ओके, प्रेटराइट, प्रेटराइट वर्ब्स हिंदी में से कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया, यानी एक काम होने के बाद दूसरे काम का होना, मतलब दूसरे काम जो करना है उसके पहले हमारा कोई एक काम हो गया है. जैसे मैं कहूँ बेटा मुझे वीडियो बना लेने दो, तब मैं आपको फिर बता दूंगी, यानी पहला काम मेरा क्या होगा, वीडियो बनाने का. दूसरा काम क्या होगा, आपको बताने का, या कुछ भी जो भी आपको वर्क है. तो इस तरह से पूर्वकालिक क्रिया क्या हुई, मैं वीडियो बनाने की हुई, ठीक. तो इस तरह से देखिए इसमें कर, हिंदी में कर जैसा शब्द आता है, आ कर, नहा कर, खा कर, पी कर, सो कर, ओके, उठ कर, पूजा कर, जो भी है. तो इस तरह से एक काम पहले हुआ होता है और दूसरा काम बाद में होगा. ओके, लेट्स सी द एग्जांपल. ही विल गो, वह जाएगा. आफ्टर कमिंग फ्रॉम द स्कूल, स्कूल से आने के बाद, यानी कि पहले वर्क कौन सा होगा, स्कूल से आने का. दूसरा काम क्या होगा, उसके जाने का. ओके, नेक्स्ट, शी विल टीच यू आफ्टर हिम, मतलब पहले मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, मतलब वो तुम्हें पढ़ाएगी, बाद में उससे पढ़ाएगी, मतलब तुम्हें पढ़ाने का काम पहले हुआ, उसको पढ़ाने का काम बाद में हुआ. तो इस तरह से पूर्वकालिक क्रिया यानी कि प्रेटराइट वर्ब्स हमने समझ लिया. तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के लेक्चर में मैंने आपसे काइंड्स ऑफ वर्ब्स ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस किया है, और मैं ये उम्मीद करती हूँ, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वेरी वेल. और तब तक के लिए आपकी वंदना आपसे विदा लेती है. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. जय हिंद, जय भारत.